Hello guys, welcome back to another exciting vlog and you watch it with the Villas Bros. So guys, today we are in Nandankana. इतना दूर तरफ क्यों के देखते हो यहाँ पर बोलते हैं। हाँ बाय द वे हम बहुत दिनों से आ रहे हैं और आज हम बारी पता में नहीं कर रहे हैं व्लॉग, हम कर रहे हैं यहाँ भुवनेश्वर में नंदनकानन में कर रहे हैं और बहुत दिनों के बाद घूमने आए हैं। हाँ हाँ छपरा भी लगभग 5 महीनों के बाद आई है मेरे चैनल में। सो गाइस अंदर के चलते हैं और आज कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। और ये जो नंदनकाना है ये हमारा इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट जू है गाइस, तो बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है, तो लेट्स गो। अभी हमने टिकट कर लिया और टिकट का कॉस्ट हमको पड़ गया लगभग 50 रुपीज ईच। और अभी हमने सभी बैगेजेस सभी हमने चेक इन करा क्योंकि आप कोई भी प्लास्टिक आइटम्स आप जू के अंदर नहीं ले सकते, ये स्ट्रिक्टली करना नॉन परमिटेड है हमारे ओडिशा गवर्नमेंट के थ्रू से। सो गाइज अभी हम मेन एंट्रेंस जो है नंदनकानन जो जूलो जो पार्क है अभी हम उसके अंदर जाने वाले गाइज। फाइनली वी एंटर्ड द नंदनकानन जू गाइस। और आदित्य कैसा लग रहा है भाई? हां आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नियरली 1.5 ईयर आई एम इन द रिकॉर्ड चैनल एज वेल एज लास्ट टाइम कब आया था नंदनकानन में? सिमलीपाल नहीं सिमलीपाल हां नंदनकानन की बात। नंदनकानन 2 साल पहले आया, 2 साल पहले। और ये मेरा फ्रेंड है विश्व है। अरे विश्व सर मत आ जा भाई, ये हमारा दोस्त है ठीक है, चेहरा दिखा दे ठीक है, बोल हाय बोल। तो ये दोस्त है हमारे, तो विश्व थोड़ा शर्मा रहे क्योंकि पहली बार आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं चैनल में आ रहा है, तो कभी आया नहीं है। तो अंजलि मैडम के पास चलते हैं, अंजलि मैडम का क्या हाल है पूछते हैं। तुम कैसा लग रहा है भाई? तुम कौन हो? ये मुझे नहीं आते कौन हो तो? तो मिश्रा कौन? कौन हो तो? कौन जानता है? इसको कौन जानता है? मैं तो कुछ जानते हैं। बाहर ना बात कर, बता आज कैसा लग रहा है? वो भी देख नहीं जानते हैं। और बताओ लास्ट टाइम कब आए तुम जन्मदिन? मैं बाहर ही रहती हूं। तो हम भी गरीब हैं, मेरी पहली बार आया हूं। ये घर है क्योंकि हम भी घर है गाइस, समझ लो जानवर है। आई लव एनिमल्स, यू नो दैट वेरी वेल। हां बस बस इतना। हां एनिमल लोगो और तो कौन इतनी ड्रामा चल रही है? नहीं कहना तेरे को, ये मेरे को क्या बोला पता है कि तू आने से ना मेरे चैनल में लेस व्यू हो जाता है। मैंने कभी नहीं बोले गाइस, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। मैं कसम खाई थी ठीक है मैं नहीं आऊंगा, इसलिए लास्ट 5 मंथ से तुम मेरे जेल में नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी, मेरा तो लेस व्यू जाता है ना। कौन बोला लेस व्यू जाता है? तुम लोग कोई देखते नहीं हो मैं आने से? कुछ भी गाइस, आप तो मुझे आप लोग तो मुझे कमेंट करते हो ना वेयर इज अंजलि, अंजलि नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा। अरे यार छपरी वपरी मतलब लोग सब क्या सोच रहे हो? सही समझ रहे हो? सच में सोच रहे मैं छपरी हूँ यार? यार कुछ भी जस्ट दैट। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं अभी टाइगर बियर्स और डियर ये सब को अभी कवर करने के लिए, तो बने रहिए वीडियो के साथ और देख देख कर एक एक चीज करके दिखाऊंगा क्योंकि ये नंदनकानन इतना छोटा सा जू नहीं है। जैसे कि मैंने बोला ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट जू है और ये हमारे इंडिया का सबसे पहला जो जू था जिसको इंटरनेशनल जू में कंसीडर किया गया था। हम छोड़ने आए हैं उसी वजह से ताकि वो इतना बड़ी जगह में रह सके। ओह इट मीन्स बोलना क्या जाती है मैं बोलू? तेरा तो अलग ही स्पेसिस है, इधर का नहीं है। दूसरे प्लेनेट का कोई ब्रीड आ गया यहाँ पे कोई? तो अभी हम गाइस अभी हम बियर देखने वाले, तो चलिए बियर को कवर करते गाइस। इस बियर को देखिए गाइस,
तो गाइज अभी हमने बियर कवर कर लिया, तो आदि था मैं नेक्स्ट लोकेशन क्या है अभी, इसके पास कौन सा इन लाने वाले और एक बियर और हिमालयन ब्लैक बियर। ये जो बियर है ये हिमालयन बियर है गाइज, पानी पी रहे हो, धूप इतना ज्यादा है, अंजलि भी कुछ इसी तरह पानी पीती है। अंजलि शक्ल दिखा, ये रहा गाइज का डिटेल्स, अगर आपको उसके बारे में कुछ जानना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइज अभी हम बियर कवर करने के बाद अभी हम लियोपार्ड और पैंथर के सेक्शन में जा रहे हैं, और अभी यहाँ पर आपको लियोपार्ड कवर करके दिखाता हूँ गाइज। फोन पसंद गाइज, ये जो सेक्शन है ये है हमारे लियोपार्ड सेक्शन, और पैंथर भी यहाँ पर है लियोपार्ड के साथ ही, और एक लियोपार्ड उधर बैठा है गाइज जस्ट पेड़ के नीचे, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आई होप यू कैन सी, और एक वो पेड़ के ऊपर बैठे हैं। अरे लगता है धूप के लिए निकल रहे नहीं आज, इसलिए बहुत आलसी हो गए। सो अभी नेक्स्ट चलते हैं दूसरे ना एनिमल लोगों को कवर करने के लिए, तो हमने अभी बियर और लियोपार्ड अभी कवर कर लिया, तो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। हम अभी पहुंच गए हैं जंगल के राजा टाइगर के पास, और आज अभी हम कवर करने वाले, और आपको दिखाता हूँ जो टाइगर जो हमारे जंगल का राजा है गाइज, देख सकते हैं गाइज वही पेड़ के पीछे नीचे बैठा है टाइगर हमारा, कितना बड़ा है। वाह गाइज मैं तो पहली बार देख रहा हूँ टाइगर इतना पास है। ये टाइगर है और ये शेरनी है यहाँ पर, और टोटल ना नंदनकानन में इतने तरह के वैरायटी के यहाँ पर टाइगर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस। तो ये बस नंबर स्टॉप है, और ये जो पार्ट है पूरा टाइगर एरिया है, और टोटल नंदनकानन में आपको इतने तरह के स्पेसिस के आपको टाइगर मिल जाएगा गाइस। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सो गाइस अबे ये कहाँ से आ गया गाइस, ए बंदा तू साइड हो यार, मुझे व्हाइट टाइगर देखने थे। अरे यार गाइस जस्ट बंदर की उस तरफ व्हाइट टाइगर है। अभी व्हाइट टाइगर कवर करने के बाद अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं आगे की तरफ, अपना जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड कौन हो जे आदित, हमारे लिए अभी लाइट को बुलाने वाला है आदि, प्लीज एक बार ओ ये तो आदि आदि टाइगर से हे लायन, इस लायन का भी अभी एनर्जी डाउन है, वो भी अभी धूप के लिए बाहर नहीं निकलने का मन नहीं कर रहा उसको भी, वो भी छाव में अभी तक बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, इसके वजह से जो ऑलवेज होती रहती है। मैं तुझे कुछ बोल रहा हूँ इस तरफ ही देख ले, मैं तुझे कुछ बोल रहा हूँ, तारीफ करो। सो गाइज अभी लायन कंप्लीट करने के बाद अब भी हम यहाँ पर एसेटिक लायन यहाँ पर, और एक ब्रीड है जैसे देख सकते हैं गाइस यहाँ पर, एंड ये हमें नंदन करना है, जूलॉजिकल पार्क का पूरा कंप्लीट आउटलेट है, तो अगर आप यहाँ पर आए तो आप ये सब जगह मस्ट आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। हर एक सेक्शन में अलग अलग एनिमल रखा गया गाइस, जैसे कि हमने बियर अभी कंप्लीट कर लिया, लियोपार्ड कंप्लीट कर लिया, टाइगर अपने कंप्लीट, लायन भी अपने कंप्लीट कर लिया है, तो हम धीरे धीरे होते होते उस तरह के पार्ट में भी अभी जाने वाले गाइस। सो ये वीडियो के साथ बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो गाइस, आपको बहुत सारे एनिमल आज दिखाने वाला हूँ मैं, और धूप भी तो ज़्यादा है बट मज़ा आ रहा है गाइस। अभी हम कौन से एनिमल के पास है, ओके सांबर सांबर इडली सांबर, तो चलिए गाइस स्पाइसेस उधर चलते हैं, कवर सकते हैं। यही है सांबर, देख सकते खाना खा रहा है अभी, खास कर लुक एट दैट, बहुत बड़ा है गाइस। सो गाइस अभी हम ये गेट नंबर 2 के पास पहुंच गए, और एक्चुअली इसको बोलते क्या रेप्टाइल स्क्वायर बोलते हैं इसको,
इस एरिया का नाम है, और यहाँ पर आपको बहुत बड़ा सा मिलेगा, एक सेल्फी पॉइंट मिलेगा आई लव नंदनकाना। और फिर यहाँ से हम दूसरे, यहाँ से हम क्रोकोडाइल को फिर कवर करने वाले हैं। वहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया उस वाले जो एरिया था, वहाँ पर टाइगर, बियर, लियोपार्ड, लायन की जैसे और डियर की तरह कुछ कुछ बर्ड्स एनिमल हमने वहाँ पर कवर किया। जो ये वाले जो एरिया मेनली रेप्टाइल्स वाले एरिया है, जहाँ पर हम क्रोकोडाइल की जैसे घड़ियाल के जैसे यहाँ पर आपको एनिमल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस अभी हम पहुंच गए रेप्टाइल पार्क के अंदर, तो जियोलॉजी वर्ल्ड कहाँ डायनासोर का है। जितने भी रेप्टाइल एनिमल है सबको, सबके डिटेल सबको यहाँ पर मिल जाएगा। इस और देखते हैं अंदर में क्या क्या एनिमल्स हैं। संभाल संभाल, ये सब जितने भी है स्नैक्स है, यहाँ पर पाइथन ये सब यहाँ पर रखा गया है, एंड जितने भी स्नैक्स सब कुछ यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। ब्लेंडेड कार्ट ये सब के बारे में, हाँ तुझे तो यहाँ पर दिखाएगा बोल रहा, तू यहाँ पे सब कुछ तेरे सामने में आके घूमेंगे। येलो येलो कोंडा देख सकते हो वहाँ पर सोया हुआ है, एंड किंग कोबरा, ये रहा किंग कोबरा गाइस। Then is your Burmese python. Here are guys, python. Zoom in a little. Here are its details. रूप के लिए कोई भी साहब अभी बाहर में नहीं आ रहा, सभी अपने बिल के अंदर छुपके हैं, तो पता नहीं ग्लास के बाहर से कुछ पता चलना नहीं पा रहा है गाइस। और क्योंकि पर बहुत सारे यहाँ पर सामने, बट कोई भी धूप के लिए अभी कोई बाहर नहीं निकल रहा, सबके अपने बिल के अंदर ही है हम पे। तो मैं तो बोल रहा हूँ अगर आप आओगे तो प्रॉपरली सुबह आओ, वरना शाम के टाइम आओ, जैसे सब कोई एनिमल भी बाहर निकलते हैं धूप अच्छे सब कवर कर देख पाओगे गाइस। तो अभी क्या है तो धूप अभी ज़्यादा है, तो आपको एनिमल इतना बाहर देखने को नहीं मिलेगा, अगर वो अंदर घर के अंदर सो जाते हैं हम धूप के अंदर बिल्कुल निकलेगे नहीं गाइस। ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा क्रोकोडाइल सेक्शन है, तो आपको एक दो क्रोकोडाइल दिखाता हूँ गाइस। जैसे देख सकते कितना बड़ा क्रोकोडाइल है सोया हुआ है गाइस, बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल है गाइस। देखिए गाइस क्रोकोडाइल, दो दो क्रोकोडाइल सोए हैं, दोनों साथ में सोए गाइस, और पानी कपल्स किस भी क्या अंजलि, ये सब क्या है, ये सब असली चीज है, यहाँ पर क्या दिख रही है। तो ना प्रपोजल डिक्लाइन, व्हाट डू मीन, तू इस तरह की बोल रहे है, शिप की हो रही है, ओ प्लीज। गाइस अभी हमने अपनी अपना टाइटल कवर कर लिया, क्रोकोडाइल अभी कवर कर लिया गाइस, कुछ कुछ मेन मेन स्नैक्स अभी हमने कवर कर लिया, तो ये टोटोज है गाइस, पानी के पीछे टोटोज है। ये रहा हमारी छोटे छोटे टर्टल्स, वहाँ पर बड़ा वाला भी है। गाइज ये जो नंदनकाना जूलॉजिकल पार्क है, ये टोटल हमारे 1060 एकर्स के ऊपर बनाया गया है, और इसका जो एस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ था 1960 में, और पब्लिक के लिए ओपन हुआ था ये 1979। तो आप अभी बोलने के बाद आप जान पा रहे हो कितना बड़ा ये जूलॉजिकल पार्क है गाइज। और बोला था अगर आप कम्प्लीट इसको कवर करें इट टेक्स 6 to 7 आवर्स, सही कहा मैंने, सही कहा मैंने अंजलि, 2 to 3 days। So guys, आपको सुन के पता ही चल रहा होगा तो कितना बड़ा है। ये देखिए guys, इस monkey on the wheel। हमने अपना reptile जो पार्क में जो गेट नंबर 2 नंदनकाना का हमने अभी कवर कर लिया, यहाँ पर हमको देखने को मिले टर्टल्स मिले, स्नैक्स मिले, क्रोकोडाइल मिले, प्लस और भी एक दो टाइप की स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिले गाइस। तो अभी हमने अपना रेप्टाइल पार्क जो नंदनकाना का है जो हमने कवर कर लिया, तो चलते अभी दूसरे गेट की तरफ गाइस, और आपको और भी दिखाता हूँ और भी बहुत सारे एनिमल्स। तो गाइस अगर आपको खाने को भूख लगे तो यहाँ पर आप
खाने के लिए भी खा सकते हैं सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आपको रिफ्रेशमेंट या कुछ भी मील्स खाने हैं या कुछ आपको स्नैक्स आइटम्स खाने हैं तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बट बाहर के हिसाब से अंदर में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि ऑफकोर्स वो जू के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसलिए कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा गाइस। बट आपको अगर भूख लगे तो आप अंदर पे भी खा के आप एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम डियर के सेक्शन में पहुंच गए हैं और आपको डियर दिखाता हूँ गाइस। बहुत सारे डियर्स हैं यहाँ पे। अधिक रेगुलर डियर नहीं, स्पॉटेड डियर जो हमको रेगुलरली देखने को मिलते हैं। ये वाले तो हैव अ लुक पूरा इनके लिए तो पूरा मस्त है। पूरा पानी पीने के लिए जगह है, पेड़ है, आराम से पूरे ग्रेजिंग कर रहे हैं। नील गाय के है ना सेक्शन में पहुंच गए तो ये रहे नील गाय। आदि कुछ आइडिया है नील गाय के बारे में? तो इफ यू वांट टू नो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और आपको उसके डिटेल्स पूरे पता चलेगा। आज धूप बहुत ज्यादा है ना आदि? बहुत ज्यादा धूप है बट अभी मजा आ रहा है। वैसे नहीं और फिर से मास्क और भी अनकंफर्टेबल मैं भी पहन रहा हूँ गाइस। वैसे नहीं मैं पहना बिल्कुल नहीं पहन रहा हूँ, बस शूट के टाइम आपको मास्क खोल के मैं दिखा रहा हूँ। अदर टाइम मैं मास्क कंटिन्यूसली पहन ही रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर चलने से प्रॉब्लम है आप यहाँ पर कार्ट आप बुक करके आप पूरा जू का आप कवर करके आप ट्रैवल कर सकते हो गाइस। अभी हम बर्ड के सेक्शन में पहुंचे हैं। आपको यहाँ पर भी कई तरह के बर्ड्स के स्पीशीज मिलेंगे तो चलिए आपको दिखाता हूँ एक एक करके गाइस। पार्ट है ये मेनली बर्ड्स को अपने एक नेचुरल हैबिटेट फील करवाने के लिए इस तरह का एक सेटअप किया गया है जैसे उनको फील हुए वो अपने कंट्री में ही है और जैसे कि वो कोई दूसरी जगह में नहीं है तो इसी तरह के उनको एटमोसफेयर वहाँ पर उनको प्रोवाइड किया जैसे कि आप उनको अपने कंट्री वाले यहाँ पर फील हो। देख सकते हैं कितने सारे बर्ड्स यहाँ पर स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे। एक आर्टिफिशियल टाइप के उनको एक एनवायरमेंट यहाँ पर बनाया गया है इनके लिए। और बट ये जो एरिया कम्प्लीटली सभी बड़े बड़े बर्ड्स स्मॉल बर्ड्स से लेकर लार्ज बर्ड्स तक आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ये जो पार्ट है यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हो एज वेल एज यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी है तो राइट की तरफ आपको बोटिंग करने को मिलेगा। और आपको अगर हिप्पो देखना है उसके जस्ट अल्टरनेट साइड में ही हिप्पो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही देख सकते हो वो रहा हिप्पो गाइस। और पीछे की तरफ यहाँ पर बोटिंग फोटिंग और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर लोकेशन दिया गया। यहाँ पर आप बैठे तो रेस्ट कर भी सकते हो और हिप्पो का आप एंजॉय करके बोटिंग भी कर सकते हो। ये रहा गाइस जो हिप्पो अभी पानी से निकल के पेड़ के पास गया है। बहुत बड़ा लगता है एक ही हिप्पो यहाँ पे नहीं हो रहे क्या जो सामने में गाइस ये रहा पानी के अंदर चले गए। तीन है ना? हाँ वहाँ पर गेट के पास है। ये रहा गाइस जूम कर दिखाता हूँ आपको। ये लगभग 5-6 हिप्पो यहाँ पर रखा गया है। वो सबके अलग अलग बाउंड्रीज में लगते हैं। बच्चों को उस तरफ डाला गया बड़े इधर है मे बी इस तरह किया गया पार्टीशन कर दिया। बेसिकली यहाँ पर टॉय ट्रेन का भी स्टेशन है तो यहाँ पर टॉय ट्रेन में घूम सकते हैं। बट कोविड के लिए अभी टॉय ट्रेन बंद है तो अभी के लिए तो बंद ही है गाइस। तो नेक्स्ट टाइम नहीं तो नेक्स्ट टाइम अगर ओपन होगा पक्का हम टॉय ट्रेन में भी जाके आपको ट्रैवल करके दिखाएंगे गाइस। गाइस अभी हम आ गए एलिफेंट जोन में तो ये रहे हमें एलिफेंट्स हमारे सामने में। अभी गाइस ये रहे हमारे एलिफेंट्स अंदर में रखेंगे उनको भी छोड़े नहीं बिकॉज भी डेंजरियस। ये पूरा एलिफेंट जोन है गाइस। तो गाइस इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। बाय द वे ना बी श्योर आदित्य कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। तो एक्सपीरियंस जाना तो ज़्यादा घूम जितने भी 4-5 आवर्स यहाँ पर रहे अभी इतना कवर करनी है बट जितने भी मेन मेन एनिमल्स सब कुछ हमने कवर किया गया और कुछ भी और भी बहुत बड़ा है जैसे मैंने बोला था ना 1060 एकर्स का प्रॉपर्टीज है तो इतना ईजी नहीं है घूमने के लिए। बोला जाता है 2-3 दिन लग जाते हैं प्रॉपरली घूमने के लिए। सो जितना भी हमसे कवर हो पाया हमने कवर किया।
तो गाइस इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो गाइस। सो कीप लविंग, कीप वॉचिंग उत्तम उल्लास ब्रो। तो मिलते हैं विद अ न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।